नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला किन्नौर का नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज किन्नौर टीवी। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल लीग जो इस वर्ष ऊना में होने जा रहा है, फुटबॉल लीग के लिए किन्नौर की हिमालयन फुटबॉल क्लब जो देवराज नेगी खेल स्टेडियम कल्पा में कैंप लगाकर तैयारी कर रही है। टीम के सेक्रेटरी सोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टीम के कोच रजनीश छेत्री है, जो मणिपुर से खिलाड़ियों को तराशने आए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं। इस टीम में विभिन्न खिलाड़ी हैं जो देश के विभिन्न कोने से संबंध रखते हैं। एक यूथ को बढ़ावा देने के लिए हमने एक हिमालयन FC किन्नौर के नाम से क्लब रजिस्टर किया है। इसका ओनर मैं हूँ और मेरे साथ दो तीन लड़कों का ग्रुप है जो इस पे काम कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस जो हो रहा है हिमाचल लीग होगा उसके लिए 11 टीमों के साथ ये कम्पीट करेंगे। और ये ऊना और हमीरपुर में मैच होना है। और यहाँ तीन खिलाड़ी मेरे इंटरनेशनल है और 6 हिमाचल के हैं, बाकी और अदर मध्य प्रदेश, मणिपुर, ऐसे से डिफरेंट अंडमान निकोबार से भी एक ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे हिमालयन FC किन्नौर के लिए। जिला खेल अधिकारी विक्रम बिष्ट ने बताया कि कल्पा स्टेडियम में पहले से ही फुटबॉल खेला जाता था, परंतु अब के कुछ वर्ष में युवाओं व खिलाड़ियों में फुटबॉल की रुचि कम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हिमालयन फुटबॉल क्लब युवाओं में फुटबॉल रुचि पैदा करने में मददगार साबित होगा। इससे लेके किया कि जो यहाँ की हमारे यूथ है जो काफी लंबा स्पेन निकल गया है इसमें कि मतलब फुटबॉल का यहाँ पर कल्चर खत्म हो चुका है, तो उसको डेवलप करने के लिए हमने कैंप जो हमने यहाँ पर रखा है, तो हम अलग अलग जो पूरे इंडिया से हमने लड़के सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर हमारे पास आए हैं। तो इनको देख कर जो हमारे यहाँ के युवा हैं अभी देख रहे हैं, अब साइड में बैठे हुए हैं, अब ये भी मोटिवेट होंगे, ये भी आएंगे कल। जो कैंप जो हमारा लगेगा शाम को 4 बजे से हमने रखा है, 4 से 2 घंटे का हमारा सेशन रहेगा यहाँ पर इवनिंग में। तो जो भी यहाँ के लोकल है, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से, मैं सबसे परिवारों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो आएँ अपने बच्चों को लेकर, चाहे किड है 8 साल से ऊपर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको यहाँ पर बढ़िया कोचिंग देंगे, जो हम जिला युवा एवं खेल विभाग इसके लिए पूरा कार्य कर रहा है। यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज जैसे कोन, बॉल वगैरह, रिफ्रेशमेंट जो हम बच्चों को देंगे, पूरा किट रहेगा, वो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रहेगा। तो यही है सर।